हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष चाखेटिया, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, गीतांजलि कैंसर सेंटर। आज हम बात करेंगे तम्बाकू और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तम्बाकू एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है। तम्बाकू के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, उसमें से अराउंड 10 से 12 लाख डेथ्स इंडिया में होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतना सब होने के बावजूद हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तम्बाकू के कारण हमारे शरीर में कई सारे नुकसान होते हैं, जिसमें से हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियां, कैंसर इत्यादि प्रमुख हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियाँ तम्बाकू से रिलेटेड हैं, बट हम बात करेंगे तम्बाकू से होने वाले कैंसर्स के बारे में। लंग कैंसर, जो 2004 में इंडिया में 10th मोस्ट कॉमन कैंसर था, इन 20 सालों में वो सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में हो चुका है। और इसका कारण है बढ़ती स्मोकिंग, बढ़ता पोल्यूशन, सेकेंड हैंड स्मोक एंड थर्ड हैंड स्मोक। ये सब क्या है उसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ब्रीफली हम ये जानेंगे कि हर साल 31 मई को जो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है वो क्या है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 1987 से WHO ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम तम्बाकू के कारण होने वाले हानिकारक कारणों और तम्बाकू से कैसे बचा जाए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस साल 2024 में थीम है कि हम अपने यंगस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें टोबैको इंडस्ट्री से। बिकॉज टोबैको इंडस्ट्री हम सब जानते हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल तरीके से टीवी पे, मीडिया पे या जहां यंगस्टर्स एंगेज रहते हैं उनको काफ़ी मोटिवेट करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली यही कारण है कि टीनेजर्स में स्मोकिंग इंडिया में बढ़ती जा रही है। जो अराउंड 3-4% थी, वो अभी अराउंड 8-10% टीनेजर्स इंडिया में स्मोक करने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है कि सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेशेंट्स हो, टोबैको कंज्यूमर्स हो, टोबैको सेलर्स हो, डॉक्टर्स, केयर गिवर्स, इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस एंड फार्मा कंपनीज जो कि डी एडिक्शन प्रमोट करते हैं, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना होगा और इन दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करनी होगी और कैसे हम टोबैको यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं उस बारे में जानना होगा। अदरवाइज़ ये जो टोबैको का पेंडेमिक है ये लगातार बढ़ता रहेगा और आने वाली पीढ़ियाँ काफ़ी दुख झेलेंगी। ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की। एंड से नो टू टोबैको। थैंक यू।